ठीक है, सब ठीक है। वेलकम मैडम, वेलकम। ये होगी आपकी मेन एंट्रेंस। वो पिछली जो एंट्रेंस है वो नीचे वाले पोर्शन की है, जो खाली है। आइए, आपको अपना पोर्शन दिखा दो। आइए। ये कमरा मैडम जी, ये भी बेडरूम है। देखा, सब फर्निश्ड है। बिना एक भी बाल बांका किए चाबी आपके हवाले करूंगा मैडम। किचन, आइए। ये किचन है और साथ में क्रॉसिंग और भी है, आने जाने का रास्ता आसानी हो। नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी है। शहर से बिल्कुल नजदीक, आपके हॉस्पिटल से बिल्कुल करीब, बस 5 मिनट। आई नो। ये क्या है? ये स्टोर है मैडम। आइए वहां दिखा। ये लॉक क्यों है? एक्चुअली ये कमरा फिलहाल देखने लायक है नहीं। वो क्या है, थोड़ी सफाई होने वाली है, जो मैं करवा दूंगा आपको। तो ये भी क्या स्टोर रूम है? नहीं नहीं कमरा है, अच्छा खासा कमरा है। वो क्या है मैडम, आप इस घर के होने वाली मालकिन हैं,
और होने वाली मालकिन को मैं रोकता हुआ अच्छा नहीं लगता। एक मिनट मैडम, एक रिक्वेस्ट है। अंदर किसी चीज को हाथ मत लगाइएगा, वो क्या है ना, छोटे साहब थोड़ा तपते हैं। हाँ ठीक है, अब कौन रहता था यहाँ पे? छोटे साहब की भतीजी। अब कहाँ रहती? ऊपर। मेरा मतलब है डेथ हो गई उसकी। यहाँ भतीजी ने आंखें बंद की और वहां छोटे साहब ने ये कमरा ही बंद कर दिया, तब से ऐसा ही है। वैसे कैसा है घर मैडम? अच्छा है, ठीक है। आनी आनी देखो मुझे क्या मिला। अरे रे 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 रे, ये इसको रख दीजिए, ये कहां से उठाया आपने? बेटा रख दो। मैडम बोलिए ना आप, वो छोटे साहब थोड़ा गुस्सा करते। आप रख दो इसको जहां से उठाया आपने। नू रख दे वापस। आ जाओ अब, सॉरी। बाहर चले। जी जी। अरे छोटे साहब भी आ गए, आइए मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। कैसा लगा घर आपको? घर तो अच्छा है, और अच्छी बात यह कि मेरे हॉस्पिटल से करीब है, और नूर को भी बहुत अच्छा लगा घर। नूर आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड तो कुछ खास है नहीं, तो अगर आपको घर पसंद है तो फिर मेरे ख्याल बिस्मिल्लाह करते हैं। डिटेल तो काशिफ ने आपको बता दी होगी। क्यों काशिफ? पेपर एकदम तैयार है, बस आपकी हाँ का इंतजार है। हाँ लेकिन जो पैसे आप लोग, वो है तो मजेदार, और ये बात आप भी जानती हैं। देखिए मैडम, इतने कम रेट में पूरे मार्केट में ऐसी धमाकेदार प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए भरोसा रखें, बिस्मिल्लाह करें। काशिफ ठीक कह रहे हैं, जब तक भाई साहब जिंदा थे ये घर मेरे लिए घर था, लेकिन अब मकान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरी कुछ ज़्यादा डिमांड है नहीं। सर फिर ऐसे आप लोगों को ठीक लगे। क्या बात, तो डन करते हैं फिर। नूर ब्रश कर रही हो ना? जी। गुड। इधर आओ, दांत दिखाओ अपने। वेरी गुड, गो टू योर बेड। चाचू के घर कब जाएंगे? क्यों, चाचू याद आ रहे? थोड़े थोड़े, लेकिन वो भी मुझे याद कर रहे होंगे। पता नहीं। अच्छा मुझे बताओ तुम्हें घर कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन चाचू का बेटर था। बिल्कुल भी नहीं, ये घर ज्यादा अच्छा है, इतना बड़ा है। देखो चाचू का घर बहुत बोरिंग था। सारे मेरे फ्रेंड्स थे, चाची थी, और यहाँ कोई भी नहीं है। मैं नहीं हूँ क्या? आप सुबह सुबह हॉस्पिटल चली जाती हैं, तो फिर मेरा क्या? हाय अल्लाह, मेरी मलिका जज्बात, बातें सुनने को इनकी। इधर आओ। तो मैं हॉस्पिटल ही जाती हूँ ना, किसी जंग पे तो नहीं जा रही ना कि मैं वापस ही नहीं आऊंगी। खैर मैंने डे केयर कॉल किया, आपके लिए बहुत अच्छी मेट का इंतजाम किया है मैंने, जमीला आंटी।
आपके साथ खेलेंगे भी और आपको मजे के खाने भी पका के देंगे। अच्छा मैं सोच रही थी वैसे कि गेस्ट रूम के साथ साथ तुम्हारा रूम भी रेडी करवाऊं, क्योंकि अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें भी स्पेस चाहिए होगी, है ना? नहीं। क्यों? मैंने आपके साथ रहना है। हाँ तो मेरे साथ ही रहोगी ये साथ वाले कमरे में? नहीं मैंने आपके साथ रहना है, मुझे अकेले में डर लगता है। चलो ठीक है कोई नहीं, तुम मॉर्निंग के साथ ही रहना, चलो सो जाओ। स्टोरी कब सुनाएंगी? आज नहीं फिर कभी सुनाऊंगी, प्रॉमिस बाय गॉड, आज नहीं, सो रो चलो। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अरे नूर, क्या हुआ? मुझे डराने की कोशिश कर रही थी ना ड्रामेबाज, रो क्यों रही थी तुम? कब? अभी मेरे कमरे के बाहर मैं तुम्हें इतनी आवाजें लगाई, तुम भाग के यहाँ आ गई, और इस गंदे से बेड पे क्यों सो रही हो तुम? अब बताओ रो भी असली में रही थी क्या, वो भी ड्रामे कर रही थी? हाँ कब रो रही थी, मैं तो यहाँ डॉली के साथ खेल रही थी। सब पता चल गया है मुझे। अच्छा और सुनो,
ये डॉली से क्यों खेल रही हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया ना, मलिक साहब की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है हमने। अब इसे वापस रखो, मैं उनको कॉल करके बोलूंगी भी कि अपना सामान तो लेके जाए आके। चलो वापस रखो इसे। मैं डॉली को अपने साथ ले जाऊं? नहीं, हम इसको साथ नहीं लेके जा सकते, मलिक साहब की डॉली है। मैं अपनी जानू को न्यू डॉली दिलाऊंगी, ठीक है ना? आप चल के सो मेरे साथ, आ जाओ। चलो रख दो ऐसे। ओके बाय डॉली। इतनी नॉटी हो गई हो ना तुम नूर। हाँ जमीला बाजी, ये बर्तन रखे हुए इनको किचन में सेट कर दीजिएगा। 2 बजे इनको भूख लगती है तो ये जो मांगे इनको पका के दे दीजिएगा जी, और बाहर बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, मेरी लेट नाइट शिफ्ट है आज, मैं आऊँगी खाना खुद पका के खा लूँगी। जी बेहतर। जी मैडम जी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं अपनी छोटी पोती को यहाँ ले आया करूँ, छोटी है ना तो ज़रा परेशान हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल ले आए आप उसको, कोई मसला नहीं है, बस इन्हें बाहर ना जाने दीजिएगा। जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और हाँ जमीला बाजी, मलिक साहब की तरफ से कुछ लोग आएंगे इस कमरे से सामान लेने, तो उनको दे दीजिएगा। ठीक है चले। और हाँ सुनो, जमीला आंटी को बिल्कुल तंग नहीं करना है आपने। हाँ ऐसा कर लूँ? Just kidding. मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी, इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगी। गुड गर्ल, इसकी बातों को बिल्कुल सीरियस मत लीजिएगा। आते हुए तुम्हारी डॉली लेकर आती हूँ। ओके बाय आनी। देखो तुम कितनी प्यारी हो, कोई बात नहीं अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा दोस्त लाऊंगी। लूसी, मैं तुम्हारे लिए नई दोस्त ले आई, इसका नाम डॉली है। हेलो बेटा, आपके चिप्स। आंटी देखो, लूसी को नई दोस्त मिल गई, डॉली। तुम जल्दी से हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ और इसे खत्म करना है। डॉली तुम यहाँ रुको, मैं अभी आई। सबाजी हमें इजाजत? सारा सामान उठा लिया? हाँ जी, सफाई भी करा दी। ठीक है तुम जाओ। डॉली कहाँ है? क्या हुआ आंटी, मेरी डॉली कहाँ है? डॉली? कौन सी डॉली? वो यहाँ थी। अरे बेटा मैंने तो नहीं देखी, यहीं कहीं होगी, ढूंढो।
वो नहीं है, मेरी डॉली गुम गई। अच्छा मिल जाएगी, तुम जल्दी से ये खत्म करो, ठीक है? जी। डॉली उठाई है ना, मेरी डॉली वापस करो। नहीं, वो मेरी डॉली है, तुम्हें भी खेलना है? आनी ने मना किया है, मैं नहीं आऊंगी। अगर आऊंगी तो डॉली दे दोगी? ओके। तुम्हें ग्रीन पसंद है? आनी को ग्रीन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे किससे बात कर रही हो? डॉली मिल गई? कहाँ थी? यहीं? अरे वाह, बाल तो बड़े अच्छे बनाए आपने। ये मैंने नहीं बनाए। तो फिर किसने बनाए? नीलो ने। नीलो? नीलो कौन? नीलो मेरी दोस्त, उसी ने मुझे डॉली दी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, कहाँ है नीलो? आप चिप्स और जूस नहीं लाई? हाँ लेके आती हूँ। नहीं नहीं, तुम उनको कुछ ना कहना। आनी ने कहा था उनको आपने परेशान नहीं करना। गेस करो कि मेरे हाथ में क्या है। सरप्राइज। बताओ। डॉली? हाँ। या। अच्छी है ना? जमीला आंटी ने ख्याल रखा आपका? कितने अच्छे बाल बनाए उन्होंने, है ना? ये जमीला आंटी ने नहीं बनाए। फिर किसने बनाए भाई, आपने खुद? नहीं, नीलो ने। कौन नीलो? नीलो मेरी फ्रेंड, उसके बाल भी आपकी तरह डॉक्टर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, नाइस। आनी? मैं कोने वाले रूम में सो जाऊं? कहाँ? कोने वाला रूम। क्यों? वो रूम बहुत अच्छा है, नीलो को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, और मुझे वहाँ डर भी नहीं लगता।
रियली कल तक तो आपको बहुत डर लग रहा था। हाँ आज आप अनी को अकेला छोड़ के चली जाओगी? पास ही तो हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आज से होगी? कल से। कल से ठीक है, चलो अभी तो सो जाओ। ये रख चाहिए। चलो सो जाओ। नूर बहुत तारीफ कर रही थी आपकी पोती, दोनों की खूब दोस्ती हो गई है। मेरी पोती? हाँ आपकी पोती नीलो। नीलो? मैडम जी मेरी पोती का नाम तो अरफा है। अच्छा तो उसे नीलो नीलो क्यों कहते हैं भाई? नीलो? हाँ नूर बता रही थी कल खूब खेला उन दोनों ने। अरे मैडम आप किसकी बात कर रही हैं, मैं तो कल अपनी पोती अरफा को लाई ही नहीं। अच्छा नूर किसकी बात कर रही थी? पड़ोस से कोई आया था शायद? नहीं मैडम कल तो यहाँ कोई भी नहीं आया, बल्कि बीबी जी तो अपने आप ही सारा दिन खेलती रही। नीलू कौन है? पता नहीं मैडम। ये आप नूर के लिए लेके जा रही? जी मैडम। पहले जाती हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे डॉली से खेलने दोगी ना? मैं पक्का किसी को नहीं बताऊंगी। किससे बातें हो रही हैं? हाँ नूर कौन था? नीलों से। कौन है नीलो? नीलो मेरी दोस्त। कब दोस्ती हुई नीलो से? कल। तो कहाँ मिली आपको नीलो? हाँ इस घर में। इस घर में? वो यहाँ रहती है इसी घर में, वो मुझे फेरी वाली स्टोरीज भी सुनाती है और कहती है कि मैं भी फेरी हूँ डॉली की तरह। अच्छा ये डॉली ये तो चली गई थी, मैंने इसे जाने नहीं दिया। नूर मैंने मना किया था ना आपको कि उनकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, उनको पता लगेगा कितने खफा होंगे वो। नहीं होंगे, वो क्या करेंगे डॉली? वो जो भी करते, और मैंने आपको कहा था ना मैं आपको न्यू डॉली ला के दूंगी, तो आपने इसको क्यों रखा यहाँ पे? डॉली बहुत सैड थी, ये मलिक अंकल की डॉली नहीं नीलो की डॉली है। अच्छा चलो नाश्ता करो। चलो अब नीलो के बारे में बताओ मुझे भी थोड़ा सा, और क्या कहती है नीलो तुम्हारी? हाँ क्या हुआ? नीलो के बारे में बातें ना करें। उसको अच्छा नहीं लगता। ये कब कहा तुम्हें नीलो ने? अभी अभी कहाँ है नीलो?
कुछ नहीं मैडम, हाथ से स्लिप हो गए थे। उठा लो उसे। जी डॉली, बहुत प्यारी है, लूसी से भी ज्यादा प्यारी है, हम इससे रोज खेलेंगे। घबराओ नहीं, इस उम्र में बच्चे इस किस्म की बातें कर देते हैं। हाँ, लेकिन वो पहले तो कभी ऐसी नहीं थी, अभी क्यों? पता है फरा, वो ऐसी बच्ची थी कि वो अकेले कमरे में रहने से घबराती थी। अब वो सारा सारा दिन अकेले कमरे में रहती है, कैन यू इमेजिन? यार तुम ना हर बात को इतना सीरियस ले लेती है, वो बड़ी हो रही है, उसको प्राइवेसी की जरूरत होगी बस। प्राइवेसी कैसी, वो 8 साल की बच्ची है फरा, उसने मुझसे कभी भी पहले इस तरह बात नहीं की। मुझे ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, इस तरह सडन चेंजेस खतरे की अलामत है। वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से आई है, कितने लोग थे वहाँ, और अब वो यहाँ अकेली रह रही है। उसकी प्रॉब्लम तो समझो यार, उसकी ट्रेजेडी देखो, अपने माँ बाप को खो दिया उसने, और वो चाचू, चाचू ने घर से निकाल दिया। ऐसे हालात में तो बड़ा बंदा पागल हो जाता है, वो तो एक छोटी सी बच्ची है। अच्छा तुम घबराओ मत, जरा घर वर सेट हो जाए तो एक हाउसवार्मिंग पार्टी रख लो, नेबर्स आएंगे, वो नए लोगों से मिलेगी, खुद ही उसके दोस्त बन जाएंगे। बल्कि मैं काम करती हूँ, कल मैं आरिज और दुर्जा को भी ले आती हूँ, वैसे भी बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, नूर से उनकी हेलो हाई भी हो जाएगी। ठीक है रे, तो चाय पियो। थैंक यू। या तो नजरें मोबाइल पे हैं या टीवी पर है, बाहर जाके खेलने का तो रिवाज ही खत्म हो गया है। वैसे यार मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैंने इनको कह दिया है अगर टैबलेट चाहिए तो बाहर जाकर खेलना होगा, आउटडोर एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं बच्चों के लिए। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। आरेस, डोरिया, बच्चे आप लोग नूर से मिले हो? जी मिले हैं। अच्छा भाई मिली हो तो जाओ जाकर लॉन में खेलो बाहर जाकर। नूर आप भी चाहो उनके साथ खेलो। नो थैंक्स आंटी, अभी मैं डॉली के साथ खेल रही हूँ। नूर देखो आंटी क्या कह रही हैं, जाओ जाके बाहर खेलो ना, फ्रेंड्स आए हुए एंजॉय करोगी, जाओ बाहर। नहीं मैं डॉली के साथ खेल रही हूँ। नूर क्या कह रही हूँ मैं? अच्छा अच्छा अच्छा, नूर देखो वो आपसे मिलने के लिए आए हैं ना, अभी आप उनके साथ जाकर खेल लो, डॉली के साथ बाद में खेल लेना। नहीं मैं नहीं जा सकती। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? जाओ जाओ जाके बाहर खेलो। ऐसे ना करें, नीलो को गुस्सा आ जाएगा। नीलो की ऐसी की तैसी, बाहर जाओ तुम, उठो और जाओ बाहर। देख रही हो तुम क्या करती हो यार, मैं क्या करूं, और आराम से भी तो बात कर सकती थी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। 5, 6, 7, 8, 9, 10
चीटिंग करी थी, मैंने खुद देखा इसकी पट्टी खुली हुई थी। हाँ तुम चीटिंग कर रही थी। नहीं मैंने चीटिंग नहीं की। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने खुद देखा तुम्हारी पट्टी खुली हुई थी। She's a cheater, 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 cheater. छोड़ूंगा नहीं। अब ये नहीं बच पाएगा। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।